नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एमसीक्यू आईक्यू में। मैं आपको एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा रहा हूँ चैप्टर वाइज, और मैंने हिस्ट्री उठाई है, हिस्ट्री सब्जेक्ट उठाया है। इसमें जो भी क्वेश्चन आ चुके हैं 2019 से लेकर 2023 तक, वो क्वेश्चन कराऊंगा। एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, उनमें जो भी क्वेश्चन आए वो सब मैं आपको पढ़ाऊंगा और एक्सप्लेनेशन के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं, ये 10th पार्ट है। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, इन 1840 द परमहंस मंडली वॉज एस्टेब्लिश टू वर्क फॉर द एवोल्यूशन ऑफ कास्ट एक्ट। 1840 में देश जाति के उन्मूलन के लिए काम करने के लिए परमहंस मंडली की स्थापना की गई थी। तो देखिए, परमहंस मंडली जो कास्ट सिस्टम था ना, उसको खत्म करने के लिए ये एस्टेब्लिश की थी 1840 में, और वो जगह थी बॉम्बे। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। परमहंस मंडली से दो बार क्वेश्चन आ चुका है, इससे पहले भी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, और जो भी मैं क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ वो क्वेश्चन रिपीटेड नहीं है, एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ मैं आपको। अगर कोई क्वेश्चन दो बार आया है तो मैं दो बार उसको पढ़ा रहा हूँ अलग अलग। पहले वाले क्वेश्चन में पूछा था कि परमहंस मंडली कब बनी थी, तो 1840 में, और इस क्वेश्चन में पूछा है कौन सी प्लेस में बनी थी, तो बॉम्बे में बनी थी। और ये परमहंस मंडली थी जो एबोल्यूशन करती है कास्ट को, कास्ट सिस्टम को खत्म करने के लिए ये मंडली बनी थी। देखिए, आपको मैं एक चीज बता देता हूँ, एक कंफ्यूजन पॉइंट है। जो परमहंस मंडली है ना, क्वेश्चन जो एसएससी में आया था उसमें उसकी फाउंडेशन डेट दी थी 1840, मगर आप गूगल करेंगे तो इसकी फाउंडेशन डेट है 1849। देखिए, एग्जाम में कभी भी ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा कि आपको दोनों डेट दे दी जाएगी, या तो 1840 आएगा या तो 1849 आएगा। इसलिए मैं आपको बता देता हूँ कि जो आप एसएससी में क्वेश्चन आया था उसमें 1840 डेट दी थी परमहंस मंडली एस्टेब्लिश की, और आप गूगल करेंगे या और भी वेबसाइट पे देखेंगे तो 1849 एस्टेब्लिश डेट दी है परमहंस मंडली की। अगर एग्जाम में डेट पूछेगा कि परमहंस मंडली कब बनी थी, तो दोनों डेट बिल्कुल नहीं आएगी। इसके फाउंडर कौन है, दड़ोबा पांडुरंग ने ये मंडली बनाई थी, तो काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। जो कास्ट सिस्टम चलता था इंडिया में उसको खत्म करने के लिए ये मंडली एस्टेब्लिश करी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैटल ऑफ प्लासी वॉज फॉट बिटवीन द इंग्लिश कंपनी एंड नवाब ऑफ बंगाल इन विच ईयर। प्लासी का युद्ध अंग्रेजी कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच किस वर्ष लड़ा गया था। तो देखिए, बैटल ऑफ प्लासी और जितनी इंपोर्टेंट बैटल्स है उससे हर बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है, अलग अलग तरीके से पूछा जाता है ये क्वेश्चन। तो बैटल ऑफ प्लासी मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ, 1757 में ये बैटल लड़ी गई थी। 23 जून 1757 में बैटल ऑफ प्लासी लड़ी गई थी। जो बंगाल के नवाब थे सिराजुद्दौला, जो गवर्नर थे बंगाल के, फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल भी बोलते हैं इनको, रॉबर्ट क्लाइव, इनके बीच में ये बैटल लड़ी गई थी, इसमें ब्रिटिश जीती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्णा थर्ड ऑफ मानखेता बिलोंग टू विच डायनेस्टी। मानखेता जो कृष्ण तृतीय किस वंश के थे, तो देखिए, जो मानखेता कैपिटल थी वो कौन सी डायनेस्टी की थी, तो राष्ट्रकूट डायनेस्टी की थी, और जो कृष्णा थर्ड है वो राष्ट्रकूट डायनेस्टी के एक फेमस रूलर है। जो राष्ट्रकूट डायनेस्टी है वो साउथ इंडिया की एक डायनेस्टी है, जो 8th से लेकर 10th सेंचुरी तक इन्होंने अपना राज करा है। मानखेता कर्नाटका में है, ये भी याद रखो, और इनके ग्रेटेस्ट रूलर थे कृष्णा थर्ड। कृष्णा थर्ड ने परनकटक चोला को हराया था बैटल ऑफ टोकरम में। बैटल ऑफ टोकरम ये दो डायनेस्टी के बीच में लड़ी गई थी, राष्ट्रकूट डायनेस्टी जिसकी तरफ से कृष्णा थर्ड थे, और चोला डायनेस्टी की तरफ से परमकटक थे। अगर मैं बात करूं जो राष्ट्रकूट डायनेस्टी है इसके फाउंडर कौन है, गंती दुर्ग इसके फाउंडर है। देखिए, जो हैंडराइटिंग नोट्स देता हूं मैं आपको, ये हैंडराइटिंग नोट्स इसलिए मैं आपको प्रोवाइड करता हूं कि मैं पीडीएफ दूंगा ना आपको, उसमें ये हैंडराइटिंग नोट्स अवेलेबल होंगे। अगर मैं आपको पेन से नोट कराऊंगा चीजें तो वो पीडीएफ में अवेलेबल नहीं होती, इसलिए मैं चाहता हूं कि आपकी मेहनत कम लगे, आपका टाइम बचे, इसलिए मैं हैंडराइटिंग नोट्स प्रोवाइड करता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागभट्टा वाज द किंग ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी। नागभट्टा निम्नलिखित में से किस वंश के राजा थे, तो प्रतिहार डायनेस्टी के एक फेमस रूलर थे नागभट्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अहमदनगर वॉज फाइनली एनेक्स्ड बाय मुगल इन। अहमदनगर को अंततः देश में मुगलों द्वारा कब्जा कर लिया गया था। तो देखिए, ये क्वेश्चन एसएससी में आया था, जो एसएससी सीजीएल है उसमें ये आया था। तो इसमें ऑप्शन दिए थे 1627, 1632 और 1630 और 1635, और इसका आंसर है 1632 में अहमदनगर में कब्जा कर लिया था मुगल ने, मगर इसका एक्यूरेट आंसर है 1636। देखिए, ऑप्शन तो ये चार थे, मगर 1636 में ही मुगल ने अहमदनगर को कब्जा लिया था और कैप्चर कर लिया था। तो याद रखो, अगर ऑप्शन में 1636 आता तो ये आंसर बिल्कुल सही होता, मगर जो एसएससी में क्वेश्चन पूछा था उसमें 1632 आंसर दिया है उसका, इसलिए मैंने आपको दोनों चीज बता दी है, और इसका एक्यूरेट आंसर क्या है, 1636। तो अहमदनगर किस जगह पड़ता है, ये देखिए, ये है अहमदनगर। मेडिवल इंडिया की बात करते हैं तो जो डेक्कन सल्तनत था, डेक्कन सल्तनत में पांच स्टेट थी। कौन कौन सी पांच स्टेट थी, ये पांच स्टेट इंडिपेंडेंट थी, इन्होंने जो ब्राह्मी सल्तनत थी ना उनसे अलग होके इन्हें इंडिपेंडेंट स्टेट बना ली थी। ब्राह्मी सल्तनत का डिक्लाइन स्टार्ट हो गया था 1500 AD में, ठीक है, और ये 15
18 में पूरा डिक्लाइन हो गया था, क्योंकि जो कृष्णा देव थे विजयनगर एम्पायर के, उन्होंने हरा दिया था लास्ट ब्राह्मी जो पावरफुल रूलर था उसको। तो जो डेकन सल्तनत थी उन्होंने इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया था अपने आप को। तो जो डेकन सल्तनत थी, ये जो नीचे वाला एरिया है हमारा इंडिया का, वहां पर इन्होंने इंडिपेंडेंट स्टेट बना ली थी अपनी। जैसे मैं बीजापुर की बात कर दूं, तो बीजापुर 1490 में बना था ये, इसने अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया था। यहाँ पर कौन सी डायनेस्टी थी, तो आदिल शाह डायनेस्टी। इन पांचों स्टेट में रूल कौन कर रहा था, जितने भी फाउंडर थे इसके सबकी सब मुस्लिम रूलर थे। तो पांच जो स्टेट है काफी एग्जाम में आती है, डेकन सल्तनत बोलते हैं इसको। तो बीजापुर में आदिल शाह डायनेस्टी थी, अहमदनगर में निजाम शाही डायनेस्टी थी, पेरार की बात करते हैं इमाद शाही डायनेस्टी थी, गोलकोंडा कुतुब शाही डायनेस्टी, बिदार में बरीद शाही डायनेस्टी थी। तो याद रखो ये पांच इंडिपेंडेंट स्टेट थी डेकन सल्तनत की। इसी से एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि जो अहमदनगर है जिसमें निजाम शाही डायनेस्टी थी, उसको मुगल ने कैप्चर कब कर लिया था। देखिए मुगल का एरिया कहां पर था, ऊपर साइड था, तो इसने साउथ साइड कब कैप्चर कर लिया था, ये क्वेश्चन था। तो अहमदनगर सल्तनत जिसको हम निजाम शाही डायनेस्टी बोलते हैं, इसके फाउंडर कौन थे, इसके फाउंडर मलिक अहमद शाह भारी थे। तो याद रखो ये काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए ईयर 1600 में क्या हुआ, जो मुर्तजा शाह टू थे उन्होंने सल्तनत संभाली और अपनी कैपिटल जो है ना नई कैपिटल बना ली हटकी को नई कैपिटल बना ली थी मुर्तजा शाह सेकंड ने। 1600 में इनने रूल करा, जो अहमदनगर सल्तनत थी उसको फाइनली कॉन्क्यूर कर लिया था औरंगजेब ने 1636 एडी में। ये ऑफिशियली साइट से निकाला है मैंने। देखिए मुगल ने कैप्चर कर ली थी फाइनली जो डेकन अहमदनगर सल्तनत थी डेकन साइड की, उसको कब 1636 एडी में, और किसने, औरंगजेब ने करी थी। मगर क्वेश्चन ये आता है, इस टाइम मुगल सल्तनत के 1636 में मुगल सल्तनत के किंग कौन थे, तो वो थे शाहजहां। ठीक है शाहजहां किंग थे, मगर जो अहमदनगर सल्तनत थी उसको कैप्चर किसने करा था, औरंगजेब ने। शाहजहां ने औरंगजेब को भेजा था। तो याद रखो अगर ये पूछेगा कि मुगल सल्तनत के बादशाह कौन थे 1636 में, तो शाहजहां थे। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखो, कंफ्यूज मत होना बिल्कुल, क्योंकि आपको पता होगा। देखिए शाहजहां का टाइम पीरियड था 1628 से लेकर 1658 तक, इस टाइम मुगल एम्पायर थे शाहजहां, और उन्होंने भेजा था 1636 में औरंगजेब को कि आप अहमदनगर को कैप्चर कर लो। तो याद रखो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल कंफ्यूज मत होना इन चीजों में। अगर मैं शाहजहां की बात करूं, तो जो हमारा ताजमहल है, आगरा वाला ताजमहल है, शाहजहां ने बनवाया था। मोती मस्जिद, देखिए मोती मस्जिद तीन है, मैं बता चुका हूँ मेरे शॉर्ट्स वाले वीडियो में कि मोती मस्जिद तीन है। तो शाहजहां ने कौन सी मोती मस्जिद बनवाई थी, जो आगरा में है ना मोती मस्जिद, वो शाहजहां ने बनवाई थी। जामी मस्जिद और रेड फोर्ट, आपको पता है रेड फोर्ट कहां पर है, तो ये दोनों चीज कहां पर है, दिल्ली में, ये भी शाहजहां ने बनवाया था। तो कुछ इंपोर्टेंट आर्किटेक्चर थे जो शाहजहां ने बनवाए थे, ये भी याद रखो, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पेरिस इंडियन सोसाइटी वाज एन इंडियन नेशनलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन फाउंडेड इन। पेरिस इंडियन सोसाइटी एक भारतीय राष्ट्रवादी संगठन थी जिसकी स्थापना की गई थी। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आपने ये क्वेश्चन नहीं सुना तो मैं आपको बता देता हूँ, ये ऑर्गेनाइजेशन पेरिस इंडियन सोसाइटी 1905 में बनी थी। देखिए पेरिस इंडियन सोसाइटी ये पेरिस फ्रांस में बनी थी 1905 में। इसके फाउंडर कौन थे, इसकी फाउंडर थी मैडम भिकाजी कामा। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, और अदर फाउंडिंग मेंबर की बात करेंगे, मुंशेर शाह भोजोरजी गोदरेज और एस आर राणे, ये दोनों भी फाउंडिंग मेंबर में थे। और जो पेरिस इंडियन सोसाइटी थी वो ब्रांच थी इंडियन होम रूल सोसाइटी, जो इंडियन होम रूल सोसाइटी थी उसकी ब्रांच थी पेरिस इंडियन सोसाइटी। जो इंडियन होम रूल सोसाइटी थी वो 1905 में बनी थी लंदन में। इसके फाउंडर कौन थे, अगर मैं बात करूं इंडियन होम रूल सोसाइटी के फाउंडर कौन थे जो 1905 में लंदन में बनी थी, तो मैडम भिकाजी कामा, इनके साथ श्यामाजी कृष्ण वर्मा और एक और थे एस आर राणे। ये तीन जन फाउंडर मेंबर है इंडियन होम रूल सोसाइटी के, और इससे इसी की ब्रांच थी पेरिस इंडियन सोसाइटी जो फ्रांस में बनी थी, पेरिस फ्रांस में 1905 में, जिसको मैडम भिकाजी कामा ने बनाया था। तो याद रखो, बिल्कुल कंफ्यूज मत होना, ये इंटरलिंक काम करती है। देखिए इंटरनेशनल सोशलिस्ट कांग्रेस था स्टटगार्ट जर्मनी में 1907 में, उस जगह पहली बार नेशनल फ्लैग फहराया था मैडम भिकाजी कामा ने स्टटगार्ट जर्मनी में 1907 में। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत आता है एग्जाम में। देखिए एक काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। जो मैडम भिकाजी कामा थी उन्होंने दो न्यूज़पेपर पब्लिश करे थे, वंदे मातरम और तलवार। मगर मैं आपको बता दूं, अगर मैं ओरिजिनली बात करूं, जो वंदे मातरम था ये इंग्लिश न्यूज़पेपर था जो कि कोलकाता में स्टार्ट करा था, और इसके फाउंडर थे विपिन चंद्र पाल और इसके एडिटर थे श्री अरविंदो घोष, और इन्होंने ये
पेपर 1905 में स्टार्ट किया था, मगर क्या हुआ था, जो ब्रिटिश लोग थे उन्होंने बैन कर दिया था ये न्यूज़पेपर। तो आप याद रखो, अगर ओरिजिनली पूछेगा कि वंदे मातरम न्यूज़पेपर कोलकाता में स्टेब्लिश हुआ था 1905 में, विपिन चंद पाल और श्री अरविंदो घोष इसका फाउंडर थे, इसको बैन कर दिया था ब्रिटिश ने। उसके बाद इसका पेरिस एडिशन, जो पेरिस एडिशन था वंदे मातरम का, वो स्टार्ट किया था मैडम भीकाजी कामा ने। तो ये जो क्वेश्चन है ना, आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होना इसमें। जब ये पेपर बंद हो गया था वंदे मातरम, उसके बाद जो पेरिस एडिशन नाम से स्टार्ट किया था मैडम भीकाजी कामा ने। तो काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों में कंफ्यूज मत होना, क्योंकि बच्चे कमेंट करेंगे कि गूगल में वंदे मातरम के फाउंडर बता रहा है अरविंदो घोष और विपिन चंद पाल। आप कंफ्यूज ना हो इसलिए मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल वॉज यूज टू मेक वेपन्स एंड टूल्स इन हरप्पन सिटी। हड़प्पा शहर में हथियार और उपकरण बनाने के लिए निम्नलिखित धातुओं में से किसका उपयोग किया जाता था। देखिए, हरप्पन सिटी जिसको हम इंडियन वैली सिविलाइजेशन में बोलते हैं, इसमें मेनली कॉपर यूज होता था। इसका करेक्ट आंसर है कॉपर। जितने भी इक्विपमेंट और हथियार बनाते थे वो कॉपर से बनाते थे। तो कॉपर की बात करते हैं, कॉपर से जो टूल्स, कॉपर टूल्स और वेपन्स वगैरह बनते थे हरप्पन सिविलाइजेशन में। जो टूल्स होते थे कॉमनली, जो एक्स, जो कुल्हाड़ी होती है, नाइफ होता है, ये सब बनते थे इससे। एरो हेड जो हमारा तीर होता है वो भी कॉपर से बनता था। और कॉपर किस जगह मिलता था हरप्पन सिविलाइजेशन में, भी आपको पता है, खेतरी माइंस से राजस्थान में, वहां पर कॉपर मिलता था उस टाइम। इंडियन वैली सिविलाइजेशन की बात करते हैं तो 2500 से लेकर 1750 बीसी तक ये इंडस वैली सिविलाइजेशन रहा है ईस्टर्न पंजाब साइड। और रिवर कौन सी थी, हरप्पा सिविलाइजेशन में बोलते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन को। और ये कौन सी रिवर के किनारे था, रावी रिवर के किनारे था, जिसको डिस्कवर किया था, जिसको खोजा था आर्कोलॉजिस्ट। तो दयानाम साहनी जी थे हमारे आर्कोलॉजिस्ट, उन्होंने ये खोजी थी हरप्पन साइट्स। कब, 1921 में। याद रखो, 1921 में दयानाम साहनी ने ये हरप्पन साइट खोजी थी। देखिए क्वेश्चन ये आ सकता है, पहली बार हरप्पन साइट खोजी थी किसने, दयानाम साहनी जी ने ये हरप्पन साइट खोज दी थी, मतलब ये डिस्कवर कर ली थी। इसके अलावा एक्सकेवेटेड किसने करी थी हरप्पन साइट, तो 1926 में मधु स्वरूप वात्सा और पीलर 1946 में, इन दोनों ने यह साइट एक और बार एक्सकेवेटेड करी थी। और फिर इसके बाद जब इंडिपेंडेंस के बाद हमारा देश 1947 में इंडिपेंडेंट हो गया था, पाकिस्तान को भी अलग कर दिया था हमने, तो जो पाकिस्तान वाला एरिया है, आपको पता है पंजाब प्रोविंस में यह साइट खोजी गई थी, ईस्ट पंजाब साइट। तो कुछ एरिया और अभी भी हरप्पन साइट कहां पर है, पंजाब में। तो जो पंजाब के आर्कोलॉजिस्ट थे मोहम्मद रफीक मुगल, इन्होंने 1966 में फिर से इस साइट में काम किया। और जो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें खोजी होगी उनने उस पे नहीं जाना है, मगर आप रखो, मगर आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि जो भी मैंने ये आर्कोलॉजिस्ट बताए जिन्होंने ये साइट में काम करा है उनके नाम याद रखो, 1921 में, 1926 में, 1946 में और 1966 में, इन लोगों ने इस साइट में काम करा है। और जो भी इंपॉर्टेंट चीज खोजी गई है इन लोगों ने खोजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू और डाई स्लोगन इज गिवन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रीडम फाइटर। करो या मरो का नारा निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता सेनानी द्वारा दिया गया। इसका करेक्ट आंसर है, और ये क्वेश्चन सबको पता है, डू और डाई का स्लोगन महात्मा गांधी जी ने दिया था। इसका करेक्ट आंसर है महात्मा गांधी। देखिए, जो डू और डाई का स्लोगन था वो महात्मा गांधी ने दिया था, मगर कौन से मूवमेंट के तहत, जो क्विट इंडिया मूवमेंट चल रहा था हमारा 8 अगस्त 1942 में ये स्टार्ट हुआ था, क्विट इंडिया मूवमेंट, नेशनल इंडियन नेशनल कांग्रेस ने स्टार्ट किया था, जिसको लीड कर रहे थे महात्मा गांधी। ये स्टार्ट हुआ था 8 अगस्त 1942 में, और 9 अगस्त को महात्मा गांधी जी को अरेस्ट कर लिया था, और जो भी प्रोमिनेंट लीडर थे उनको भी अरेस्ट कर लिया था, क्योंकि इसका स्लोगन क्विट इंडिया और भारत छोड़ो आंदोलन था। इसको हम भारत छोड़ो आंदोलन भी बोलते हैं, और इस आंदोलन में महात्मा गांधी जी ने डू और डाई का स्लोगन दिया था। फिर मैं बात करता हूँ बाल गंगा तिलक जी की, जिसको हम लोकमान तिलक बोलते हैं। इन्होंने स्लोगन दिया था, स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई हैव शैल इट। तो याद रखो, बाल गंगा जी का स्लोगन था ये। फिर भगत सिंह की बात करते हैं हम, इन्होंने स्लोगन दिया था इनकलाब जिंदाबाद। याद रखो, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इनकलाब जिंदाबाद के जो फाउंडर है इसके बारे में पहले मैं बात कर चुका हूँ, बता चुका हूँ आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज राजा फर्स्ट एंड राजेन फर्स्ट बिलोंग टू विच डायनेस्टी। राज प्रथम और राजेन प्रथम देश वंश के थे। तो याद रखो, काफी इंपोर्टेंट रूलर है चोला डायनेस्टी के। देखिए, जो राज राजा फर्स्ट थे इन्होंने कैप्चर कर लिया था, जो राज राजा फर्स्ट थे, जो नॉर्थ साइड था श्रीलंका का, श्रीलंका को पहले हम बोलते थे साइलोन, तो साइलोन को, साइलोन का नॉर्थ साइड कैप्चर कर लिया था राज राजा फर्स्ट ने, यह जीत लिया था। जो राज राजा फर्स्ट थे इन्होंने एक काफी इंपोर्टेंट टेम्पल बनाया है, जिसको हम बृहदेश्वर टेम्पल बोलते हैं। जो हमारा बृहदेश्वर टेम्पल है, जिसको राज राजेश्वरी टेम्पल भी बोलते हैं। तो याद रखो, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि राज राजेश्वरी टेम्पल या बृहदेश्वर टेम्पल, जो कि कहां पर है, ये है थंजावुर। और थंजावुर कहां पर है, थंजावुर है तमिलनाडु में। ये टेम्पल बनवाया किसने था, तो राज राजा फर्स्ट में बनवाया था। और ये
कौन से भगवान है यहाँ पर, तो शिव भगवान जी का टेम्पल है, जो हमारे शिव भगवान है उनका टेम्पल है बृहदेश्वर टेम्पल या राजराजेश्वर टेम्पल, जो कि थंजावुर तमिलनाडु में है और जिसको राजराजा फर्स्ट ने बनवाया था। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और जो राजराजा फर्स्ट के संत है, इनके संत है राजेन फर्स्ट, इन्होंने कैप्चर कर लिया था, जो राजेन फर्स्ट थे इन्होंने जितना भी श्रीलंका बचा था पूरा श्रीलंका को कैप्चर कर लिया था साइलोन। अगर क्वेश्चन आता है कि नॉर्थ साइड श्रीलंका को कैप्चर करा था राजराजा फर्स्ट ने और पूरा श्रीलंका जितना भी श्रीलंका था पूरा श्रीलंका को कैप्चर कर लिया था राजेन फर्स्ट ने, तो काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है। एग्जाम में ये क्वेश्चन बहुत आता है कि बृहदेश्वर टेम्पल किसने बनवाया था, तो राजराजा फर्स्ट ने बनवाया था, जो कि चोल डायनेस्टी के रूलर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी वॉज नॉट अ पार्ट ऑफ थ्री पार्टी स्ट्रगल विच फॉर्ट फॉर द सेंचुरी टू कंट्रोल ओवर वन पार्टिकुलरली सीज्ड एरिया कन्नौज। निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश त्रिपक्षीय संघर्ष का हिस्सा नहीं था, जिसने एक विशेष रूप से बेशकीमती क्षेत्र कन्नौज पर कब्जा करने के लिए सदियों तक लड़ाई लड़ी। तो देखिए थ्री पार्टी स्ट्रगल, जो ट्राई पार्टी स्ट्रगल था वो तीन जनों के बीच में था, राष्ट्रकूट डायनेस्टी, पाल डायनेस्टी, गुजर प्रतिहार डायनेस्टी। इन ये तीन डायनेस्टी आपस में लड़ती थी किसको पाने के लिए, कन्नौज को पाने के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर है, इसमें कौन सी डायनेस्टी नहीं थी, तो कादम्बा डायनेस्टी इसमें नहीं थी। तो याद रखो काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये देखिए कन्नौज, कन्नौज एक काफी इंपोर्टेंट जगह थी उस टाइम, जिसको सब हथियारा चाहते थे, जिसमें पाल डायनेस्टी थी, गुजर प्रतिहार डायनेस्टी और नीचे राष्ट्रकूट डायनेस्टी। साउथ साइड से राष्ट्रकूट डायनेस्टी थी, ईस्ट साइड से पल्लव डायनेस्टी थी और जो वेस्ट वाला एरिया था गुजर प्रतिहार डायनेस्टी, ये तीनों लड़ते थे कन्नौज पाने के लिए। और कन्नौज किसके अंडर में था, पाल डायनेस्टी के। उस टाइम पाल डायनेस्टी के रहा, फिर राष्ट्रकूट डायनेस्टी ने जीत लिया, तो ऐसे ये थ्री पार्टी स्ट्रगल तीन डायनेस्टी के बीच में था। अब देखिए जो ट्राई पार्टी स्ट्रगल चल रहा था, जिसको हम कन्नौज ट्राइंगल वार भी बोलते हैं, 9th सेंचुरी में ये लड़ाई चल रही थी। प्रतिहार डायनेस्टी जिसके फाउंडर थे हरिचंद्र, पाल डायनेस्टी के फाउंडर थे गोपाल और राष्ट्रकूट डायनेस्टी के थे दंती वर्मन, जिसको हम दंती दुर्ग भी बोलते हैं। तो इन तीनों डायनेस्टी के फाउंडर भी याद रखो आप कौन कौन थे, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत आता है एग्जाम में। देखिए ये 10th पार्ट था, लगभग मैं 100 क्वेश्चन करा चुका हूँ और एक्सप्लेनेशन के साथ बात करूँ तो 500 से ज्यादा क्वेश्चन आप कर चुके होंगे। एक्सप्लेनेशन बहुत करता हूँ मैं हर वीडियो में, अपने जो भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं उसको एक्सप्लेन करता हूँ। तो चैप्टर वाइज सीरीज काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो मैंने आपको पढ़ाए, क्योंकि ये सब जितने भी SSC के एग्जाम होते हैं, CHSL, CGL, MTS, CPO, JEE, GD, ये सब SSC एग्जाम लेता है और साल भर एग्जाम चलते हैं SSC के। उन सब में जो जनरल अवेयरनेस और जनरल साइंस का वेटेज है बहुत ज्यादा हो चुका है, आने वाले सालों में इसका वेटेज और बढ़ जाएगा। और जो भी क्वेश्चन फंसते हैं SSC में वो सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही आते हैं। 5 साल के आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लिए तो लगभग आपके हर क्वेश्चन बन जाना है, और मैं आपको एक्सप्लेन भी करता हूँ जिससे क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाए। देखिए वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें MCQ IQ को। थैंक्स फॉर वॉचिंग MCQ IQ।